मुझसे कहने लगी कि फलक मेरे पास रहने आई है हमेशा के लिए, और क्योंकि नसरीन खाला की लालची तबीयत को ये अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उन्हें लालच देकर ये सेट तोहफे में देना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि नसरीन खाला को इस उम्र में अच्छा बनने का शौक हो गया, इसीलिए सच बोलने चली आई मुझसे। कहने लगी ये तो रुकने आई थी, वो तो सोनिया नहीं मानी, सोनिया ने तो इसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो माजरत कर रही थी कि जब मैंने इसे रखा ही नहीं तो मुआवजा किस बात का। मैं फलक को क्यों ताने दूंगी, वो भी इस तरह की, अगर मैंने ऐसा किया हो तो अल्लाह की मार पड़े मुझ पर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि फलक जिद और दुश्मनी में इतना आगे चली जाएगी कि तुम्हारे दिल में नफरत भरने की कोशिश करेगी। तैमूर, मैंने हमेशा तुम्हें अली की तरह समझा है, अगर मैंने फलक को ऐसा कुछ कहा हो तो समझ लो तुम्हें कहा है, क्योंकि फलक तुम्हारी तो बीवी है। मैंने यही सोचा कि तुम्हें और फलक को अगर ये लगता है कि मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच में आ गई हूँ तो मेरा दूर होना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि तुम या फलक मुझे गलत समझो कि मैं तुम दोनों की खुशियों की दुश्मन हो गई। लेकिन जानते हो, जब मुझे ये पता चला कि फलक तुमसे खुला लेना चाहती है और उसके बदले में उसने अपना सेट नसीम खाला को दे दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। मैं नहीं चाहती कि फलक दोनों हाथों से तुम्हारा पैसा लुटा दे। तुम तो इस तरह से फुटपाथ पे आ जाओगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वह तुमसे बेईमानी कर जाएगी। इतनी बेवकूफी वो कैसे कर सकती है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मैं तुम पे छोड़ती हूँ। तुम अगर चाहो तो फलक को छोड़ दो, चाहो तो उसके साथ रह लो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम हमें छोड़कर जाओ, फिर छोड़कर जाओ। इतना नाराज है मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मुझे जानती हो ना तैमूर, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी झूठ बोल रही है। भाभी झूठ बोल रही थी, भाभी ने वो नेकलेस मेरे दराज से निकाला, वह झूठी औरत है। रख। सॉरी, गलती से हाथ टूट गया। आप एक ही दफा अपने हाथ पकड़ के मेरा गला क्यों नहीं घोंट देते? हाँ, ये रोज रोज मार खाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं एक ही दफा। फलक, आपकी जिंदगी में जो कुछ होता है वो मेरी वजह से होता है, सारी मुसीबतें मेरी वजह से हैं। तो इस मुसीबत को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? आपकी भाभी भी खुश हो जाएगी, आपके घर में सुकून भी बढ़ जाएगा। लग, प्लीज खुद को संभालो, मैं माफी मांग रहा हूँ। मैं तंग आ गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ आपके रवैये की वजह से, आपके गुस्से से, आपकी नफरत से। मुझे मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं इस जिल्लत में नहीं जी सकती। छोड़ रहे फलक, प्लीज अपने आप को संभालो। फलक, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ रहना है। संभालो अपने आप को। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। फलक प्लीज, फलक
Thank you.